दोस्तों, पहले तो आपको मकर संक्रांति का शुभकामनाएं देता हूं, और फिर मैं बात करने वाला हूं वीवो का एक सेंसर के बारे में जो कि है अंडर स्क्रीन। जी हाँ, वीवो का अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। और मेरा नाम है तन्मय, मेरे चैनल का नाम है टेक दुनिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। दोस्तों, 2018 है, ठंड का मौसम है, और इस समय लॉन्च कर दिया है सिनेप्टिक्स नाम के एक कंपनी ने, जो कि है एक ऑप्टिकल सेंसर है जो कि अंडर स्क्रीन लग जाएगा। दोस्तों, वीवो ने इस जो कि टेक्नोलॉजी है उसको काम में लिया है, और वीवो ने अपने जो आने वाला फोन है उसमें इस फिंगरप्रिंट सेंसर को लगा दिया है। दोस्तों, पहले तो बता देते हैं कि फिंगरप्रिंट सेंसर कैसे काम करता है। दोस्तों, एक नॉर्मल फिंगरप्रिंट सेंसर दो तरीके की होते हैं, एक है ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर और दूसरा है कैपेसिटिव। दोस्तों, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर कुछ ऐसे हैं और जो कैपेसिटिव है वो कुछ ऐसे हैं। दोस्तों, इसका काम क्या है? दोस्तों, जो ऑप्टिकल जो सेंसर है उनका काम स्लो होता है, और वो आपको ज्यादातर दिखने को मिलेंगे कुछ दुकानों पर, कुछ आप जगह वोट देने जा रहे हैं वहां पर, और आधार लिंक वहां पर आपको ये सेंसर मिल जाएंगे। और जो कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट सेंसर है वो जो कि है आईफोन के अंदर, जो कि नॉर्मल जो कि फोन है एमआई के फोन, जो कि ओप्पो के फोन, उसमें आपको ऐसे नॉर्मल फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएंगे। और दोस्तों, ये कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ही तेज काम करता है, और ये मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर कुछ ऐसे काम करता है कि आप अगर उसमें अपना अंगूठा डालेंगे तो आपके अंगूठे के अंदर जो भी जो पैटर्न्स है, जो भी उबड़ खबड़ जो हिस्से हैं, उनको वो पहचान लेगी, और उससे ही आप अगर दोबारा उसमें टैप करेंगे तो वो उसे फिर से पहचान लेगी और फोन अनलॉक हो जाएगा। दोस्तों, जो ऑप्टिकल है वो कुछ अलग है और स्लो भी कम करता है। दोस्तों, उसमें आपको फिंगर तो पहले देना पड़ेगा, और फिर कुछ लेजर की तरह कुछ लाइट्स निकलेगी वहां से, और आपका जो एक मतलब पिक्चर ले लेगी, आपका जो प्रूफ है उसके लिए आपको एक पिक्चर ले लेगी इस फिंगरप्रिंट का, और फिर से अगर आप उसमें डालते हैं अपने फिंगर को तो वो उस फिर उस लाइट को आपके फिंगर में छोड़ेगा और मैच करने की कोशिश करेगा। आप अगर आपके फिंगर को मैच हो गया तो सोचिए कि हो गया भाई, फिर मैच हो गया। दोस्तों, ये फिंगरप्रिंट सेंसर कुछ ऐसे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सिनेप्टिक्स कंपनी ने जो फिंगरप्रिंट सेंसर लॉन्च किया है वो है एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, और जो स्क्रीन भी हम जानते हैं कि आजकल सबका जो चाहिदा है वो है स्क्रीन में जो एच टू एच स्क्रीन होगा। और दोस्तों, मतलब एच टू एच स्क्रीन में कहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर लगाए भाई, तो वीवो ने ऐसा सोचा कि चलो हम यहाँ पे ही लगा देते हैं कि जो अपनी जो स्क्रीन है वीवो का जो ओलेड स्क्रीन है उसके पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर लगा देंगे। तो दोस्तों, एलईडी स्क्रीन में ये फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं काम करेगा, क्योंकि एलईडी स्क्रीन के पीछे जो बैकलाइट से भर देते हैं एलईडी स्क्रीन को, और लेकिन ओलेड स्क्रीन में आप जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उसे लगा सकते हैं। दोस्तों, सिनेप्टिक्स ने बोला है कि जितने भी कंपनीज अपने फोन में ये ओलेड स्क्रीन इस्तेमाल करेंगे वो उनमें फिंगरप्रिंट सेंसर ऐसे दे देंगे। तो दोस्तों, फोन ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा आपको, पिक्चर आप देख ही सकते हैं। तो बस यही है, वीवो का जो स्क्रीन आने वाला है वो बहुत ही अच्छा है, और ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो ऑप्टिकल है, फ्यूचर में जाके इसका बहुत फ्यूचर है इसका, जो कि बहुत अच्छा होगा, इससे भी ज्यादा तेज काम करेगा। मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि एमआई और ओप्पो ने मिलकर एक आईफोन 10 की तरह एक फोन बनाने का जो कदम उठाया है, जो कि फेस आईडी से खुलेगा, तो ये भी एक लेटेस्ट न्यूज है। तो आएगा वो फोन, तभी देखेंगे कि एप्पल गुस्सा होता ही है नहीं है, क्योंकि कुछ तरीके हैं जो कि एप्पल यूज करता है वही शाओमी और ओप्पो ने इस्तेमाल करने की कोशिश है। दोस्तों, फ्यूचर में हमें ये फोन देखने को मिल जाएगा। तो अभी अभी के लिए ये वीवो के फोन में है, तो आने वाला है फोन, जल्दी से कर लिए परचेज। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे कि हमारे मोबाइल ट्रिक्स चैनल को भी सब्सक्राइबर और व्यूज की जरूरत है, वैसे मेरे चैनल को भी जरूरत है, मैं एक बिगिनर यूट्यूबर हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए क्या लगता है, एक बटन जो क्लिक करेंगे और घंटा आएगा जो कि हम बोलेंगे बेल आइकन, उसे प्रेस कर देंगे तो हो जाएगा। मैं टेक्निकल रिलेटेड वीडियोस छोड़ता हूँ, जैसे कि अनबॉक्सिंग रिव्यूज और कुछ हैकिंग टाइप जो कि बातें करता हूँ, और ऐसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस मैं छोड़ता रहता हूँ। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।